हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद एमएस मामा। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे इतना सपोर्ट करा है और मेरे वीडियोस को आप देखते हो। तो ये व्लॉग मैं डाल रही हूँ ईद की शॉपिंग का। तो ईद की जो भी हमने ग्रॉसरी शॉपिंग और कपड़ों की शॉपिंग करी थी वो सब मैं आपको इसमें दिखाऊँगी। होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। थैंक यू। देखिए अब हम आगे हैं लूलू मॉल। तो बहरीन में हम लोग लूलू मॉल में आए हैं जहाँ से मैंने कपड़े भी ख़रीदे थे और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करी थी। तो ये देखिए गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए पैम्पर्स वगैरह लगे हुए हैं और हम लोग अभी ग्रॉसरी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से मैं बिज़ी थी इसलिए एडिटिंग में काफ़ी टाइम लग गया मुझे एडिट करने में वीडियो को ईद की। तो ये देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं और मैं ले रही हूँ कुछ नट्स क्योंकि घर में नट्स ना ख़त्म हो गए थे तो शेर खुरमा के लिए मैंने नट्स लिए थे। तो चलिए अभी हम ले लेते हैं नट्स। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अखरोट, बादाम और काजू। तो बादाम का मैं आपको, ये है अखरोट, इसका रेट है 1.995 पर 500 ग्राम और 1.895 बादाम का रेट है पर 500 ग्राम, 1.995 काजू का रेट है पर 500 ग्राम। तो ये मैंने तीनों पैकेट्स ले लिए थे। और शेर खुरमा की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं कंडेंस्ड मिल्क के साथ बनाती हूँ और बहुत ही यमी होती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आप लोग एक बार ज़रूर उसको भी ट्राई करिएगा। तो ये देखिए बच्चे बड़े मस्ती कर रहे हैं। नट्स की जो प्राइस थे वो दिनार में थे। तो ये देखिए हर तरह के मसाले ना हमें यहाँ से मिल जाते हैं। कितनी तरह के मसाले हैं, अलग अलग फ्लेवर्स, सब मतलब काफ़ी सारी आउटलेट्स होती हैं जो अलग अलग तरह के मसाले, हर तरह की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। इंडिया की हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो बहुत मज़े मज़े के स्पाइसेस होते हैं। ये देखिए कितनी तरह के स्पाइसेस एक ही जगह पे अवेलेबल हैं। ईद के लिए काफ़ी सारी तैयारियां करनी थी क्योंकि ईद वाले दिन हमद मेरे छोटे बेटे का बर्थडे भी था और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी। टाइम बहुत कम था तो बस जल्दी जल्दी ना हम लोग ग्रॉसरी निपटा रहे थे क्योंकि हमें बच्चों के कपड़े वगैरह भी लेने थे। अभी मैं आ गई हूँ वेजिटेबल्स लेने के लिए। कितनी प्यारी प्यारी लगती है ना वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड, तो बड़ा अच्छा लगता है आँखों को ना देखने में वेजिटेबल्स वगैरह को। ये देखिए कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई हैं और अभी बस हम ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो मोस्ट प्रेफरेबली मैं जो यूज़ करती हूँ इंडिया की ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, लाइक ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे इंडिया का ही देख रही हूँ। आप और देखिए और तरह के भी हर जगह के होते हैं ना, काफ़ी सारे कंट्रीज़ के। मोस्ट प्रेफरेबली मैं जो लेती हूँ वही लेती हूँ, इंडिया वाला जिंजर, गार्लिक, सब चीज़। लूलू में काफ़ी अच्छी फ्रेश वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। ये देखिए मैं ले रही हूँ गार्लिक। माशाल्लाह देखिए सब ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अदा करी हैं। हमें हर हाल में हर जगह पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने जिस हाल में भी रखा है बहुत अच्छा रखा है तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला सबको हर नेमत से नवाजे। ये देखिए मैं यहाँ पे चिलीज़ ले रही हूँ। तो देखिए कितनी सारी तरह की चिलीज़ हैं यहाँ पे, जो भी आप चाहो वो ले सकते हैं। और ये देखिए कितनी तरह की बीन्स हैं, फलियाँ हैं अलग अलग तरह की।
ये है ड्रैगन फ्रूट। तो ड्रैगन फ्रूट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो मैं नहीं लेती हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का होता है। ये देखिए आप कितने तरह के, कितनी तरह की कंट्रीज़ के ना एप्पल्स लगे हुए हैं, येलो एप्पल, रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, और मैं यहाँ ले रही हूँ लेमन। कितनी हर तरह की कंट्रीज़ के आते हैं ना, ईरान के एप्पल्स होते हैं, और भी अलग अलग जगह के एप्पल्स होते हैं, USA के होते हैं, इंडिया के होते हैं, अलग अलग जगह के होते हैं। और ये देखिए मैं ले लेती हूँ क्रीम, तो मैं फ्रेश क्रीम अलमराई की ले रही हूँ। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ना हमारी काफ़ी सारी ग्रॉसरी हो गई है। ईद के लिए ऐसी भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ लंबी पड़ जाती हैं तो तरह तरह की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने दही बड़ों के लिए दाल वगैरह ये सब चीज़ें ले ली थी, बेसन आटा काफ़ी सारी चीज़ें ली थी। यहाँ पे देखिए ये सारे एसेंस लगे हुए हैं अलग अलग फ्लेवर के, तो मुझे सिर्फ वनीला एसेंस लेना था तो वो मैं यहाँ से ले रही हूँ। ये रहा वनीला एसेंस। काफ़ी सारी चीज़ें घर पे ख़त्म हो रही थी तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ी थी। ये अहमद केक्स के पीछे, क्योंकि अहमद को केक बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें सबसे ज़्यादा पसंद है हनी केक। अगर आपने हनी केक नहीं ट्राई करा है ना तो एक बार हनी केक ट्राई करके देखिए, बहुत मज़े का होता है। देखिए कितनी तरह के सैलड्स हैं, कितनी तरह की चीज़ है, और अचार है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बुचरी पे गोश्त वगैरह लेने के लिए। ये देखिए अलग अलग तरह की सैलेड्स हैं। और अलग अलग तरह की चीज़ हैं, अलग अलग तरह के पिकल्स हैं। कलर्स भी देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर्स हैं। यहाँ पनीर है, चीज़ है, ये देखिए ये अचार हैं अलग अलग तरह के, मिर्च का अचार, जलपीनो, एलपीनो, सब तरह का अचार ना आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑलिव्स का। ये देखिए तरह तरह के पिकल्स हैं। हमद थोड़ा सा स्नोर कर रहा है मेरे वॉइस ओवर करते में, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आपको। तो ये देखिए ये है हनी केक, किस तरह का हनी केक होता है। ईद की छुट्टियाँ काफ़ी अच्छी निकली थी, अच्छा मज़ा आया था। नेक्स्ट डे हम लोग घूमने भी निकल गए थे, उसका भी व्लॉग मैं डालूंगी। आप लोग ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो नोटिफिकेशन का बेल का आइकन होता है उसे आप ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, ताकि आप मेरे व्लॉग्स और वीडियोज़ मेरे आप देख सको। तो ये देखिए जितने भी आइटम्स हैं सारे फ्रोज़न हैं, फ्रोज़न पीज़, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न पनीर, कॉर्न्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भिंडी होती है वो कटी हुई, पालक वगैरह, ये सब फ्रोज़न है। अगर हम इस तरह का चाहिए होता है इमरजेंसी यूज़ के लिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं यूज़, लेकिन अच्छा रहता है अगर हम फ्रेश यूज़ करते हैं तो।
यहाँ पे पालक भी मिल जाता है फ्रोज़न, लेकिन मैंने फ्रोज़न पालक की वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। मेरा चिकन स्पैनिश की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँगी। अभी देखिए हम लोग बिल कराने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो मैं तमाम चीज़ों का यहाँ पे बिल करा रही हूँ। काफ़ी सारा सामान हो गया था क्योंकि ईद के लिए काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी पड़ जाती हैं। तो अभी बस हम यहाँ से बिल कराएंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले फ्लोर से हमें कपड़े लेने हैं बच्चों के। ये देखिए मैंने बिल पे कर दिया है और इतनी सारी ग्रोसरी का हमारा बिल आया है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये आया है 22.990 दिनार, यानी कि 23 दिनार। अगर आप इंडियन रुपीस में जानना चाहते हो तो आप इसे 200 से कैलकुलेट कर सकते हो, जितना जो इतना बैठेगा, तो इंडियन रुपी के हिसाब से 4600 रुपीस बैठेंगे। देखिए अभी हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर आकर बच्चों के कपड़े लेने आए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के कितने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं बच्चों के, वॉकर्स, ट्रॉलर, ट्रॉलीज, बेड, तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं ये देखिए। तो बच्चों के ना मुझे कैजुअल से ही कपड़े लेने थे, ज़्यादा मैंने फैंसी ड्रेसेस नहीं ली थी ताकि बच्चे घर में भी इजीली यूज़ कर लें जो कंफर्टेबल हो, क्योंकि गर्मी काफ़ी है, बच्चे ना फैंसी कपड़ों से थोड़ा सा घबराते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे ही कैजुअल कपड़े ले लिए थे बच्चों के। तो उस टाइम हाफ पे बैक का ऑफ़र चल रहा था, यानी कि अगर हम 20 BD की शॉपिंग करते हैं तो हमें 10 BD का वाउचर मिलेगा, जिससे हम 10 BD की और शॉपिंग कर सकते हैं। तो अगर हाफ पे बैक ऑफ़र लगता है तो इसी तरह का लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि कपड़े और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। अहमद के लिए मुझे एक ये शर्ट पसंद आई है, अभी हम जैबी के कपड़े देख रहे हैं, तो जैबी के लिए काफी बड़ा बड़ा साइज हो रहा है। जैबी को वो ड्रेसेस नहीं अच्छी लग रही थी, ये भी हमें अच्छा लग रहा था लेकिन जैबी को पसंद नहीं आए, वो बहुत कंफर्टेबल कपड़े लेना पसंद करती है। ये देखिए छोटा आगे कैसे एंजॉय कर रहा है, और ये देखिए अहमद के स्टाइल ना ख़त्म नहीं होते हैं, वो इस तरह के स्टाइल दिखाते रहते हैं। अभी वो आप लोगों को हाई कर रहा है। ये हमने हमद के लिए लिया है, छोटे बेटे के लिए। तो ये जितना भी कलेक्शन है ये सारा बॉयज़ का कलेक्शन है, इसमें हर साइज़ के बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। तो अहमद को शर्ट लेनी थी अपने लिए, सभी की ड्रेसेस कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो पा रही हैं सही से।
जैबी जो ड्रेसेस ट्राई कर रही है वो हमने ये सिलेक्ट करी है। इसके साथ एक शॉर्ट कैप्री है और उसके साथ एक ये है ब्लैक टॉप है, इसके साथ ये स्कर्ट है विद शॉर्ट्स, एक ये है, ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा लग रहा था, इसके साथ ग्रे स्कर्ट है और एक ये है ब्लैक टी शर्ट के साथ एक स्कर्ट। जैबी को एक ग्रे स्कर्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, उसने वही लिया था और एक मैंने कैप्री वाला लिया था उसके लिए। और ये देखिए अहमद स्पाइडरमैन का इन्हें जिस कदर का शौक है कि स्पाइडरमैन बन गए, देखिए। और मैंने मेहंदी की कोन भी ले ली थी, मेहंदी लगाना तो बनता है ना ईद पर। तो कपड़े वगैरह हमने ले लिए हैं, अब हम घर के लिए निकलेंगे। उस दिन हमें बहुत ज़्यादा थकान हुई थी, हमारे पैर भी दुख गए थे। ये देखिए यहाँ से मैंने कैरमल पॉपकॉर्न्स ले लिए थे, तो कैरमल पॉपकॉर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।